श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल लर्निंग विद सीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम 6 नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस बनाना जा रहे हैं। इस ड्रेस को हम रक्षाबंधन पर बहुत प्यार से पहना सकते हैं और साथ ही जन्माष्टमी पर भी। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिये सुपर नेट का ये लहरिया वाला फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक हमने 6 इंची चौड़ा लिया और 100 इंची लंबा लिया है और इसको डबल करके यहाँ एक सिलाई लगा ली है क्योंकि हमें डबल कपड़े से इसमें फ्रिल बनानी है इसलिए। और क्या किया हमने, 3 इंची चौड़ी और 100 इंची लंबी हमने ये नेट की पट्टी कट कर ली है। ये दोनों पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं। दोनों पट्टियों की हम फ्रिल बनाएंगे लेकिन इसमें जो हमने सुपर नेट वाला फैब्रिक है ना, इसके अंदर अभी हम यहाँ पर किनारे पर जो मुड़ी हुई साइड है ना, यहाँ पर गोटा भी लगाएंगे। तो पहले यहाँ मुड़ी हुई साइड पे पूरी पट्टी में 100 इंची में हम गोटा लगा लेते हैं। साथ ही मैंने डायमीटर भी कट कर लिया है। डायमीटर कट करने के बाद इस पे सेटिन पर चिपका करके पेस्ट करके हमने इसको सिलाई भी लगा ली है। अब इसको हमें डायमीटर को पहले हम रेडी कर लेते हैं। डायमीटर को ऐसे डबल करेंगे। डबल करने के बाद इस तरीके से उंगली से प्रेस करके एक मार्क कर लेंगे और यहाँ पर ये सिलाई लगा करके और ये कमर की गोलाई है इसको कट करके बाहर निकाल देंगे। अब इसकी जो किनारे हैं, साइड्स हैं, इनको हम टिश्यू टेप से लॉक कर देंगे। ये जो लहरिया की पट्टी है इसमें मुड़ी हुई साइड पे हम ये लेस लगा लेंगे किनारे किनारे। लेस लगाने के बाद ये पूरी 100 इंच की पट्टी में हम इस तरीके से प्लेट्स डाल करके ये घेर तैयार कर लेंगे। फ्रिल तैयार कर ली, इसमें हम प्रेस लगा करके इनको प्लेट्स को बिठा लेते हैं। और साथ ही जो हमने पिंक कलर की जो हमने पट्टियां काटी थी उसमें भी हम सेम इसी तरीके से प्लेट्स डाल करके एक फ्रिल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दोनों फ्रिल हमने तैयार कर ली हैं। अब क्या करेंगे, ये डायमीटर लिया है। डायमीटर में ये देखिए ऐसे इसकी चौड़ाई नापते हैं। ये 2.5 इंची पर हम निशान लगा लेंगे पूरी गोलाई में। 2.5 इंची पर पूरी गोलाई में इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। साथ ही इसे ऐसे डबल फोल्ड करके और इसके हाफ पर भी हम एक निशान लगा देंगे। यहाँ पर भी हमने मार्क कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, इस ये वाली हमने फ्रिल ली नेट वाली फ्रिल को हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे और देखिए यहाँ तक नाप लेंगे कितनी आ रही है। हाफ तक नाप करके इसको हम कट कर देंगे और इसके साथ हम हाफ में ये वाली फ्रिल, लहरिया वाली फ्रिल को इसके साथ अटैच कर देंगे, जॉइंट कर देंगे। और हाफ इसमें घेरे में हम ये लहरिया वाली फ्रिल लगाएंगे। आधा घेरा हमने यहाँ से यहाँ तक ये कट कर लिया। अब इसके साथ में हम यहाँ से इसको अटैच कर देते हैं। ये हमने जॉइंट लगाया है ना, ये जॉइंट हमारा यहाँ पर आना चाहिए इस वाले मार्क पर जहाँ हमने सेंटर में ये मार्क किया है। तो यहाँ पर ये जॉइंट आएगा हमारा और इसकी गोलाई से पहले हम यहाँ से हाफ इसको जॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद ये हाफ को यहाँ से यहाँ तक जॉइंट कर लेते हैं। Go, go, go.
घेरे में हमने देखिए ये फ्रिल लगा लिया, दूसरे घेरे में जब हम फ्रिल लगाएंगे तो ये जो लहरिया वाली फ्रिल है ना उसको हम इधर की साइड लेंगे और हाफ में ये इस साइड, जिस साइड हमने पहले लहरिया वाली लगाई है उस साइड हम प्लेन लेंगे और जिस साइड हमने प्लेन लगाई है उस साइड हम लहरिया लेंगे। इससे पहले एक काम और करेंगे, ये हमने सिल्वर कलर की लेस ली है, इस लेस को हम ये जो हमने सिलाई लगाई है ये कच्ची दिखाई दे रही है तो इस लेस के ऊपर लगा देंगे, क्योंकि कई बार होता है फ्रिल थोड़ी सी ऊपर उठी तो ये ऐसे तरीके से जो अनफिनिश सिलाई दिखाई देगी वो अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए ये घेर का हमारा बेस बन गया है, अब इसमें हम यहाँ पे टिश्यू टेप लगा लेंगे और साथ में ये जो नेफे की डोरी डाल करके नेफा बना लेते हैं। और ये हमारा घेर का पूरा बेस बन गया, नेफा भी लग गया, डोरी भी लग गई और साथ में ये टिश्यू टेप भी लग गया। इसका डेकोरेशन अभी हम बाद में करते हैं, पहले चोली बना लेते हैं। चोली के लिए हमने 3.5 इंची चौड़ा और 7 इंची लंबा हमने फैब्रिक लिया है, 6 नंबर के ठाकुर जी की चोली है ये। इसको 4 तय करेंगे, एक बार ऐसे हमने फोल्ड किया लंबाई में, एक बार चौड़ाई में फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद जो सेंटर का कॉर्नर है ये वाला, यहाँ से हम 1/2 इंची पे ये कट लगा देंगे और साथ ही इसको बैक से ओपन रखना है तो ये सीधा हम कट लगा देंगे। अब इसको फैब्रिक के ऊपर या अस्तर के ऊपर उल्टा रखेंगे, उल्टा रखने के बाद ये सिलाई लगा करके इसको पलटेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसमें ये कट लगाएंगे और कट लगा करके ये गले की हमने कटिंग कर दी। अब इसकी जो कॉर्नर है ना इनमें छोटे छोटे कट लगाएंगे, कट लगाकर अब इसे पलट देंगे। तो पलटना देखिए मैं बताती हूँ आपको पूरा किस तरीके से पलटते हैं। ये देखिए इसको हमने ऐसे पलटा यहाँ से, क्योंकि अभी इससे पहले एक व्यूअर ने मुझे बोला कि मैम ये हमसे चोली पलटने में बहुत दिक्कत होती है। देखिए आपने कट लगाए हैं तो अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ये पलट गई, बहुत आसानी से पलट जाती है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी पलटने में। ये पलट गई, उसको उंगली से प्रेस कर दीजिए नहीं तो आयरन लगा करके इसको प्रेस कर दीजिए। ये देखिए बिना कुछ किए एकदम पलट गई अच्छे से। अब इसको यहाँ किनारे किनारे कच्ची सिलाई लगा करके एक्स्ट्रा जो अस्तर है ना उसे कट करके बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर एक प्लेट डाल देंगे। ये हमने देखिए साइड से सिलाई लगा करके एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके निकाल दिया, यहाँ एक डार्ट भी डाल ली। अब टिश्यू टेप लिया है, इसको हम यहाँ दोनों साइड से लॉक करेंगे। ये यहाँ पर गोटा भी लगा दिया, साथ में स्लीव्स की जगह पे हमने देखिए ये फ्रिल लगा दिया ताकि थोड़ी खूबसूरती भी बढ़ जाती है और अच्छी भी लगती है। अब यहाँ से देखिए मोड़ देते हैं इसको, मोड़ने के बाद में यहाँ बांधने के लिए गोटा लगा देंगे। चोली बन गई, अब इसमें ये जर्किन चेन लेकर के इसकी बिल्कुल किनारे किनारे ये जर्किन चेन को और लगा देते हैं ताकि थोड़ी सी इसमें चमक भी आ जाए और खूबसूरती भी बढ़ जाए। इस तरीके से किनारे किनारे ये जर्किन चेन लगा देंगे, दो यहाँ बटन लगा देंगे तो ये हमारी चोली हो जाएगी। साथ ही इसका घेर का डेकोरेशन भी कर लेते हैं। तो घेर के डेकोरेशन के लिए देखिए मैंने ये बूटियाँ ली हैं, ये हाफ सर्किल में बूटियाँ आते हैं ना, हार बूटी भी बोलते हैं, चांद बूटी भी बोलते हैं, आप किसी भी नाम से इनको मंगा सकते हैं। इस तरीके से ये मैं इनको इधर बाउंड्री वॉल पे लगा देती हूँ। साथ ही मैंने ये कलरफुल बूटी ली है, इन बूटी को इनके साथ में मैं यहाँ अटैच कर देती हूँ और यही बूटी मैं यहाँ पर भी लगाऊंगी इस वाले प्लेन वाले घेर पर और इनमें भी साथ में ये बूटियां लगा दूंगी यहाँ से यहाँ तक। तो इतना काम करके आपको दिखाते हैं पोशाक हमारी कैसी लग रही है। ये देखिए बूटी लगाने के बाद में डेकोरेशन करने के बाद में हमारा घेर कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए 6 नंबर की ठाकुर जी की पगड़ी का बेस हमने बना लिया है
और इसकी पट्टी हमने 1-2 इंची कट करके और इसको देखिए एक स्ट्रिप में हमने तब्दील कर दिया। ये देखिए पगड़ी बनाने के लिए ये पट्टी हम पहले यहाँ से लगाना शुरू करेंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से रिवर्स करते हुए, ये रिवर्स करते हुए ये 4 बार हमने रिवर्स की और इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये ग्लू लगा करके इसको यहीं पर हमने कट कर दिया। अब यहाँ ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगा करके इसको ये किनारे किनारे बिल्कुल यहाँ सेंटर पॉइंट, पीछे के बैक के सेंटर पॉइंट तक ले आएंगे हम। यहाँ तक ला करके इसके ऊपर की साइड ये ग्लू लगाया हमने और इसको इस तरीके से रिवर्स कर दिया। इसको देखिए सिलाई जो हमने लगाई हुई ना उसको कवर करते हुए और आधा इसको हम दिखाएंगे और यहां तक ले गए ऊपर तक। ये ले जाने के बाद फिर से हमने सीधी साइड ये ग्लू लगाया और फिर से इसको इस तरीके से रिवर्स कर दिया। ये देखिए हमारा बहुत प्यारा सा पगड़ी का बेस बन गया। अब इसका डेकोरेशन जैसे हमने घेर में किया उसी के अकॉर्डिंग हम इसका डेकोरेशन कर देंगे, तो उसके बाद दिखाते हैं आपको डेकोरेशन के बाद में पगड़ी हमारी कैसी लग रही है। ये देखिए हमारी बहुत ही खूबसूरत सी पगड़ी बनकर के तैयार हो गई है। बेस बनाने के बाद हमने दो ये जो हमारी बूटियां थी चांद वाली इनको दोनों को आपस में अपोजिट हमने जो लगा दिए हैं, बीच में हमने ये कैरी बूटी लगा दी, यहाँ पर हमने एक फ्लावर लगा दिया, पीछे कलगी लगाई है और एक कुंदन की बूटी यहाँ लगा करके और ये मोती की लटकन लगाई है। ये जो मोती की लटकन है ना ठाकुर जी के जब चेहरे पर आती है ना तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, तो मैं ज्यादातर पगड़ी में देखा होगा आपने मैं मोती की ये लटकन का यूज बहुत करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो दोस्तों आपको कैसी लग रही है, पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।